मसूरी में क्यारकुली भट्टा गांव की प्रधान कौशल्या रावत ने सराहनीय काम किया है, जहां कौशल्या रावत ने 6 माह के वेतन से गांव की महिलाओं को द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई। कार्निवल सिनेमा में महिलाओं को फिल्म दिखाई गई। इस मौके पर फिल्म में दिखाए गए अत्याचार को लेकर कई महिलाएं रोती हुई भी नजर आई। मीडिया से चर्चा करते हुए रावत ने कहा कि आज कुछ लोग फिल्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्षी दल के नेताओं को कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कैसे हो, हमें आज देख के ऐसा महसूस हुआ, तो जिन्होंने ये चीज झेली होगी, जिन्होंने ये चीज देखी होगी, उन्हें कितना क्या महसूस हुआ होगा इन्हें। तो ये कश्मीर फाइल को देख के हमें बहुत ही, आज हमने देखी है तो हमें बहुत ही दुख महसूस हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसा माहौल हो। हमारे मोदी जी हैं तो हमें सब कुछ सही लगता है। शायद बरसों बाद कई महिलाएं तो ऐसी है जिन्होंने कभी थिएटर में कोई ऐसा चीज़ नहीं देखा। ये तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, वो भी मातृशक्तियाँ रही होंगी जो उस समय उन्होंने उस कश्मीर में इस सब चीज़ को झेला है। आज एक मातृशक्ति समझ सकती है कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए होंगे, कितने उन लोगों ने सहन किया होगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे घर, जब इंसान अपने घर से अनाथ होता है तो उसको कैसा लगता है। आज वो लोग कितने बिखरे हुए हैं, वो शायद उनका दर्द आज हमारे दिलों का, आज ही वो दर्द हमें छू रहा है जब हमने हकीकत में उसको देखा है। हुआ कि हमारे ही इंडिया के लोग हमारे कश्मीर में अपना कब्जा जमाना चाहते थे, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडियन कश्मीर में कितना कत्ल किए हैं, जो मतलब हमसे देखा नहीं महिलाओं ने, या उन्होंने कितना दुख झेला होगा, जो हमें इस तरह से अपने पूरा इतिहास दोबारा रचा के हमें रुला दिया। ये फिल्म आई तो ऐसे ही घर में चर्चा हो रही थी, तो मैंने बोला हमारी कुछ फ्रेंड्स में का हम सब चल के देखते हैं ये फिल्म। लेकिन जब हमने घर में बात की तो हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना हम ही क्यों देखें, हम पूरी ग्राम पंचायत की महिलाओं को ये फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई अभी तक 30 साल से हमारे ये छुपी हुई थी वो आज जनता के सामने आई। तो हम भी, और किस प्रकार से वहाँ महिलाएं प्रताड़ित की गई हैं और किस प्रकार से उनके साथ बर्बरता हुई है, वो आज देख के मतलब दिल को दहला देने वाली फिल्म थी।